अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे वेवल प्लान 1945 और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। हम आपको इस्लाम की बरसगीर में आमिद से लेकर जिना गांधी टॉक्स 1944 तक के तमाम मामलात पढ़ा चुके हैं। आप वो चैनल की पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मोहतरम सामईन, वक्त था अक्टूबर 1943 और ताजे बरतानिया फैसला कर चुकी थी कि अब वो लॉर्ड लिनलिथगो को वायसराय ऑफ इंडिया की निशित से हटा देगी और लॉर्ड वेवल को इंडिया का नया वायसराय बना देगी। मोहतरम सामईन, इससे पहले लॉर्ड वेवल बरसगीर यानी सब कॉन्टिनेंट के आर्मी चीफ की हैसियत से काम कर चुके थे और हिंदुस्तान की सियासत और मामलात को समझते थे, यानी काफी हद तक उनसे आगाह थे। लॉर्ड वेवल के लिए वायसराय बनने के बाद सबसे अहम काम यह था कि वो एक ऐसा फार्मूला या तरीकाकार बनाए जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आमादा हों, रजामंद हों और सियासी खला यानी कि पॉलिटिकल वैक्यूम को कम किया जा सके और हिंदुस्तान का हल तलाश किया जा सके। तो वेवल बुनियादी होमवर्क करते हैं और मई 1945 में वो लंदन जाते हैं और वहां की हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो सियासी खला को कम करेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक दूसरे के साथ बिठाया जा सके और कुछ बातों पर आमादा किया जा सके। तो बातचीत के बाद एक मसविदा बनाया जाता है, यानी कि पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के मसले मसाइल हल किए जाएंगे और ये मंसूबा यानी कि प्लान 14 ऑफ जून 1945 यानी कि 14 जून 1945 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एल एस एमरे ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन में खिताब करते हुए पेश करते हैं। लॉर्ड वेवल इसको दिल्ली में पेश करते हैं और इसके जो प्रपोजल्स होते हैं, जो वेवल प्लान के प्रपोजल्स हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं, जिनमें नंबर वन है हमारे पास, अगर हिंदुस्तानी जंग में ताजे बरतानिया की मदद करते हैं तो जंग के खात्मे पर हिंदुस्तान में आईनी इस्लाहात की जाएंगी यानी कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की जाएंगी। नंबर टू, वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल को फौरी तौर पर दोबारा तरतीब दिया जाएगा और काउंसिल के मेंबरान की तादाद में इजाफा कर दिया जाएगा। नंबर थ्री, काउंसिल के अंदर आला हिंदू और मुस्लिम अफराद को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। नंबर फोर, दूसरी हिंदुस्तानी अकलियतें यानी कि शूद्र, सिख और देगर को नुमाइंदगी दी जाएगी। नंबर फाइव, वायसराय और आर्मी चीफ के ओहदों के अलावा बाकी तमाम ओहदे हिंदुस्तानियों को दे दिए जाएंगे। नंबर सिक्स, वजीरे खारजा यानी कि वजारत खारजा यानी कि फॉरेन अफेयर्स को भी एक हिंदुस्तानी ही देखेगा, अलबत्ता एक बरतानवी कमिश्नर तिजारत के मामलात को देखेगा, यानी कि हिंदुस्तान की तिजारत जो दूसरे मुल्कों के साथ है, विद अदर कंट्रीज है, उसको वो देखेगा, लेकिन जो बाकी खारजा मामलात हैं, जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के साथ, उसको एक हिंदुस्तानी ही देखेगा। नंबर सेवन, हिंदुस्तान का दिफा बरतानिया ही देखेगा कि जब तक तमाम इख्तियारात हिंदुस्तानियों को ना दे दिए जाएं, उसके बाद भी डिफेंस के इख्तियारात भी हिंदुस्तानियों को दे दिए जाएंगे, वो उसको खुद देख सकेंगे। नंबर एट, वायसराय हिंदुस्तानी सियासी सरदारों यानी पॉलिटिकल लीडर से मिलेगा जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सियासी लीडर्स शामिल होंगे ताकि एक नई एग्जेक्टिव काउंसिल तश्कील दी जा सके यानी उसे दोबारा बनाया जा सके। नंबर नाइन, अगर ये प्लान यानी मंसूबा मरकज यानी सेंटर में वफाक में चल पड़ता है तो सूबों के अंदर भी इसे नाफिज कर दिया जाएगा। नंबर टेन,
तमाम बातों का इन्हसार और मामलात का मुस्तकबिल आइन के ऊपर पड़ेगा, जो कि फ्यूचर में आने वाला है। तो दोस्तों, इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि 25 जून 1945 में हुई। तो इसी के नतीजे में आगे मुस्तकबिल में हमें शिमला कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी। यहाँ पर पिक्चर के अंदर आप लॉर्ड वेविल को देख रहे हैं, जो कि आर्मी चीफ की हैसियत से इंडिया में काम कर चुके थे, सीनियर ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर काफी ज्यादा इन्होंने काम किया था। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनको स्टडी कर सकते हैं। आगे हमारे पास है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। तो सबसे पहले हमारे पास है कि जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि लॉर्ड वेविल को इंडिया का वायसराय बना दिया गया था। हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए जरूरी था कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सेंटर में ऐसी गवर्नमेंट बन जाए कि हिंदुस्तान का मसला ही हल हो जाए। उन्होंने तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाया और ये इजलास जून 1945 में हुआ। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैहि मुस्लिम लीग के नुमाइंदा थे और कांग्रेस को अबुल कलाम आजाद रिप्रेजेंट कर रहे थे, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे थे। कांग्रेस मौलाना अबुल कलाम को नुमाइंदगी देकर ये जाहिर करवा रही थी कि वो तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है और हिंदुस्तान के मुस्लिम लोगों को भी कांग्रेस से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि उनकी नुमाइंदगी भी कांग्रेस ही करती है। शिमला कॉन्फ्रेंस कई दिन चली और इसका मकसद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करना थे और सियासी खला यानी पॉलिटिकल वैक्यूम को ख़त्म करना था। ये कम से कम काम था जो कि लॉर्ड वेविल को करना था। लॉर्ड वेविल का प्लान पेश किया गया और उसके मुस्तकबिल के असरात पर भी वजाहत दी गई। उन्होंने जोर दिया कि उनकी सरबराही मान ली जाए ताकि मुस्तकबिल के फैसले किए जा सकें। उन्होंने कहा कि उनका मंसूबा हिंदुस्तान के आईनी मुस्तकबिल यानी के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के मसले मसाइल को आसानी से हल कर सकता है और मुस्तकबिल के आईनी मसाइल फिर आसानी से हल हो जाएंगे, उनको हल कर लिया जाएगा। वासराय ने कहा कि अगर ये मंसूबा मान लिया जाए तो वफाक यानी सेंटर में हुकूमत के बाद सूबों में भी हुकूमतें बना दी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कांग्रेस इनकी मदद से ये शो करवाना चाहती थी, जाहिर करवाना चाहती थी कि वो तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है। और जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि प्लान के मुताबिक वायसराय की काउंसिल को दोबारा बनाना था और उसमें मुख्तलिफ अकलियतों के लिए भी हिस्सा रखा गया था कि हिंदू अकलियत जैसे शूद्र और बाकी अकलियतें जिनमें सिख, ईसाई, पारसी और अंग्रेज शामिल है, जो कि हिंदुस्तान में ही रहते थे, तो सब के लिए उसमें हिस्सा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ने ये वाजिया कर दिया कि वो हिंदुस्तान की तमाम सियासी, समाजी और हर तबके की बात सुनना चाहते हैं ताकि वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के दुरुस्त फैसले कर सकें, और ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होगा जब हिंदुस्तानी इस मंसूबे को मान लेंगे। जहां तक बुनियादी ढांचे का सवाल है, यानी कि बेसिक फ्रेमवर्क का, जनरल फ्रेमवर्क का सवाल है, तो कांग्रेस ने कोई संजीदा एतराज नहीं किया और बेसिक फ्रेमवर्क पर कांग्रेस का कोई इतराज नहीं आया, जबकि ऐसे ही एक मंसूबे को कांग्रेस पहले ठुकरा चुकी थी, जो कि सर क्रिप्स लाए थे, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया था, 1942 में आया था, कांग्रेस उसको धुतकार चुकी थी, लेकिन अब इस मंसूबे को एक्सेप्ट कर रही थी क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं चाहते थे। कांग्रेस तमाम अहम बातों से पीछे हटकर सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाह रही थी कि
किसी तरीके से पाकिस्तान बनने के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं और किसी तरीके से कौंसिल में अपने बंदे शामिल करके हर सियासी तरीकाकार से पाकिस्तान को बस एक ख्वाब ही रहने दिया जाए और पाकिस्तान को ना बनने दिया जाए और इंडिया को एक ही यूनिट के तौर पर रखा जाए। और अगर हम देखें लॉर्ड वेवल का ख्याल ये था कि बस एक बार किसी तरीके से ये दो बड़ी सियासी जमातें इकट्ठे काम करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान बस एक ख्वाब ही रह जाएगा। दूसरी तरफ कायद आजम ने भी साफ साफ बात कर दी और वाजिया कर दिया कॉन्फ्रेंस के पहले ही रोज के पाकिस्तान के अलावा और कोई असूल को हम मंजूरी नहीं देंगे, हम कोई दूसरा प्रिंसिपल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि जब तक उसमें पाकिस्तान शामिल ना हो। इन दो मुख्तलिफ बातों ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा संजीदा बना दिया तो ये सोचा गया कि क्यों ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान भी एक गैर रस्मी मुलाकात करवाई जाए ताकि संजीदगी कम करके काम किया जा सके। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैही का कहना था कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएं ताकि पता चल जाए कि हिंदुस्तान के मुस्लिम क्या चाहते हैं। कांग्रेस के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों ने कायदे आजम की बात पर जोर दिया कि ऐसे करके देख लें, इलेक्शन करवा लें, इसमें क्या हर्ज है कि अगर एक इलेक्शन हो जाए। इस मौके पर बहुत से मजहबी सियासी रहनुमा भी मुस्लिम लीग का साथ दे रहे थे, उनकी इस सपोर्ट ने यानी सहारे ने मुस्लिम लीग की बहुत मदद की और हिंदुस्तान में उनको एक नई मकबूलियत दे दी। और अब मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तौर पर वाकई खुद को मनवा रही थी। मुस्लिम लीग का दावा था कि वह पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम लोगों की जमात है, जबकि कांग्रेस तमाम हिंदुस्तान की सियासी जमात होने का दावा करती थी। इसलिए उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भेजा था ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो तमाम हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात है और वो हिंदुओं के अलावा मुसलमानों की भी नुमाइंदा जमात है। तो मुसलमान और हिंदू जो कि हिंदुस्तान का 97% है, 96% है, तो जब 97% को कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है तो वही ये इख्तियारात रखती है कि वो हिंदुस्तान का फैसला करे। कांग्रेस ने ये वाजिया कर दिया था कि मुस्लिम लीग का दावा झूठा है और सुबह सरहद में तो उनकी हुकूमत ही नहीं थी, यानी कि जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के इलेक्शन में, हम आपको वो पढ़ा चुके हैं कि पंजाब में यूनियनिस्ट सबसे आगे थी, सिंध में गुलाम हुसैन कांग्रेस के सहारे थी और असम सुबह में भी ऐसा ही था, ऐसे ही मामला थे। तो वासराय ने कहा कि तमाम सियासी जमातें वासराय की कमेटी यानी एग्जेक्टिव काउंसिल के लिए नुमाइंदे भेजेंगी और कायद आजम ने इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत कर दी। वासराय जानते थे कि जिना उन्हें कोई लिस्ट नहीं भेजेंगे जबकि कांग्रेस ने उनको लिस्ट भेज दी थी। तो मोहम्मद अली जिना यानी कायदे आजम ने एक बार फिर वासराय को बताया कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, तो सिर्फ मुस्लिम लीग ही उनकी नुमाइंदगी करेगी। फिर जिना और वासराय की दोबारा मुलाकात हुई जिसमें एक बार फिर से तमाम बातें दोहराई गईं। वासराय वेवल अपनी बात पर कायम थे और जिना अपनी बात पर कायम थे और जिना ने वासराय को हर किस्म की सपोर्ट और सहारा देने से भी इनकार कर दिया था। वेवल प्लान नाकाम हो चुका था क्योंकि दोनों बड़ी सियासी जमातें चट्टान बनकर एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात मान लेती कि सिर्फ वो ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जमात बनकर रह जाती, तो ये कांग्रेस को बिल्कुल मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग कांग्रेस की बात मान लेती तो फिर पाकिस्तान का मंसूबा पूरा ना हो पाता। इसके अलावा इन तमाम वाकयात ने जिना को पूरे हिंदुस्तान में इंतहा से ज्यादा मशहूर कर दिया था, एक नई मकबूलियत दे दी थी कि उनके बगैर हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं बन सकता। और कांग्रेस में मौजूद कई देगर मुस्लिम लीडर्स थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे,
उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। और लंदन में अगर इसका असर देखा जाए कि लंदन में ये हुआ कि जो उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी थी और जो इन्फ्लुएंशियल लेबर लीडर्स थे वो इस बात पर मादा हो गया कि अब हिंदुस्तान को एक संजीदा मामलात से चलाने की जरूरत है जिससे ये जो इंडियन डेड लॉक है उसको खत्म किया जा सके। तो चैनल पर आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वेलफेयर प्रोजेक्ट है रिमाउ स्टूडियो का, तो आप YouTube में रिमाउ स्टूडियो को भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जो सोशल इश्यूज के ऊपर ड्रामा पोइट्री और राइटिंग अवेलेबल है आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती होंगी, ये आप लोगों की मदद करती होंगी। और जो तमाम कंटेंट है वो मुख्तलिफ बुक्स और वेबसाइट से स्टडी करके बनाया गया है और इसके अलावा काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। तो चैनल पर आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।